नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। अय्यापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर में बकरी चराने गए दो बच्ची डूब गए, एक जीवित को निकाला गया वही दूसरा लापता। कटरा प्रखंड के 2000 घरों में घुसा बाढ़ का पानी, जिला प्रशासन ने शुरू किया राहत और बचाव कार्य। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एनआरआई के बंद घर से 13 लाख रुपए की संपत्ति चोरी। और छात्रावास खाली करने के जारी फरमान के विरोध में छात्रों ने धरना आंदोलन जारी रखते हुए किया नंग धड़ंग प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। अय्यापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर स्थित तालाब में दो बच्ची डूब गए, एक को जीवित निकाल लिया गया जबकि दूसरे की तलाश जारी है। अय्यापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर गांव में बकरी चराते हुए पोखर में नहाने के लिए गई दो बच्ची डूब गई। स्थानीय लोगों की मदद से एक बच्ची को बचा लिया गया जबकि दूसरे बच्ची की डूबने से मौत हो गई। दरअसल यह घटना सोमवार की सुबह 8 बजे की है। गांव के निवासी अर्जुन सहनी की 8 वर्षीय पुत्री सुहानी कुमारी व रंजीत सहनी की 10 वर्षीय पुत्री सिमरन कुमारी दोनों बकरी चराने के लिए घर से खेत की ओर निकली। खेलते खेलते गांव के ही समीप पोखर में नहाने के लिए कूद पड़ी। नहाने के दौरान ज्यादा पानी में चले जाने से दोनों बच्ची डूबने लगी। हालांकि डूबते देख स्थानीय लोगों ने सिमरन को बेहोशी की हालत में बाहर निकाल आनन फानन में इलाज के लिए बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां सिमरन की हालत नाजुक बनी हुई है जबकि सुहानी कुमारी की डूबने से मौत हो गई। हालांकि अभी तक सुहानी की बॉडी बरामद नहीं की गई है। घटना की सूचना मिलते ही सुहानी के परिवार में कोहराम मच गया। घटना के संबंध में मृतका के परिजनों ने बताया कि वह आज सुबह बकरी चराने के लिए घर से निकली थी और कुछ घंटों बाद गांव के ही एक बच्चा ने बताया कि सुहानी डूब गई है। 8 बजे निकल रही हो कहानी ये कलिए जो केले की धरो। अच्छा। सुना ली की सुहानी निहाय डूब गई। कौन बोला ऐसा? कौन बोला है? बच्चा बोला डूब गया। क्या वो बच्चा गया था नहाने? क्या बच्चा मिल गया? बच्चा मिल गया है। क्या पुलिस ढूंढने में मदद कर रही है आप लोगों की? पुलिस ढूंढने में मदद कर रही है? कोई नहीं। कितना घंटा हो गया डूबे हुए? 8 बजे डूबा। उधर घटना की सूचना मिलते ही अय्यापुर की पुलिस मौके पर पहुंचकर डूबी हुई बच्ची की तलाशी में जुट गई। घटना के संबंध में अय्यापुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि जिला प्रशासन को सूचना दे दी गई है, जल्द ही गोताखोर की मदद से लापता बच्ची को ढूंढ लिया जाएगा। मिली थी स्थानीय लोगों के द्वारा कि संगम घाट के पास दो बच्चे बकरी चराने गए थे जिस घर में बाढ़ के तेज प्रवाह में बह गए, जिसमें स्थानीय लोगों की मदद से एक बच्ची को निकाला गया है जिनका इलाज माँ जानकी में चल रही है। दूसरा बच्ची जो है लापता है। लापता बच्ची का नाम है सुहानी कुमारी, पिता अर्जुन सहनी है, यही कोल्हुआ पैगंबरपुर के रहने वाले हैं। स्थानीय सिविल प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन हम लोग कैंप किए हुए हैं, गोताखोरों की मदद से उनको खोजवाया जा रहा है। अभी तक हम लोग को मिला नहीं है, प्रयास जारी। कितना घंटा हो गया अभी तक डूबे बच्ची? सुबह 8:30 बजे की घटना बताई जा रही है, उस समय से लेकर अब तक 5 घंटे से ऊपर हो गया। नहीं मिल पाई अभी तक? अभी तक नहीं मिल पाई। कटरा प्रखंड के 2000 घरों में बाढ़ का पानी घुसने से वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बागमती नदी के जलग्रहण क्षेत्र में एक सप्ताह में रुक रुक कर हो रही भारी बारिश के कारण बागमती नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें बागमती परियोजना उत्तरी और दक्षिणी बांध के बीच अवस्थित औराई प्रखंड के एक दर्जन गांव के लगभग 500 घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। विस्थापितों को गांव से निकालने के लिए सरकारी स्तर पर 19 नाव चलाई जा रही है। वहीं मधुबन प्रताप व पटोरी गांव से एनडीआरएफ की टीम 2 बोट के सहारे विस्थापितों को रेस्क्यू कर बांध पर पहुंची। इधर कटरा की पंचायतों के 2000 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गंगिया व बकुची स्थित पीपा पुल के अप्रोच पथ पर पानी बहने से आवागमन ठप पड़ गया है। वहीं औराई प्रखंड की भी स्थिति काफी खराब है। बागमती नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि से मधुबनी प्रताप पटोरी टोला बवनगामा पश्चिमी हरनी टोला बड़ा बुजुर्ग बड़ा खुर्द चटूरा दक्षिणी टोला राधोपुर चैनपुर भरथुआ
दक्षिणी टोला समेत दर्जन भर गांव के 500 घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। कारण न घर 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 तक बेघर हो चुके हैं, न प्रशासन खोज है, न कोई आ रहा है देखने के लिए, न राशन है खाने के लिए, घर के अंदर सारा सामान भी दहा चुका है और लोग परेशान हो रहे हैं। कितने बच्चे लोग दहा चुके हैं इस दहाड़ के में। यहाँ सड़कों पर कितना फीट पानी बह रहा है? यहाँ पर 4 फीट पानी है, ऊपर 4 फीट से ऊपर पानी है यहाँ पर। अब पूरा रोड बंद हो चुका है, आने जाने वाला भी बंद हो चुका है, जितने भी घर रहने वाले हैं सब डूब चुके हैं। इधर कोई भी मुखिया नहीं आया सर, न मुखिया आया, न सरपंच आया, कौन भी नहीं देखने आया सर। कितना कष्ट में है? बहुत कष्ट हो रहा है, देखिए कर रहे हैं पानी। हम लोगों को जिले के 3 प्रखंडों के कुल 17 पंचायतों के कुल 64 गांव प्रभावित है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से 18 शिविर और 6 सामुदायिक रसोई घर चल रहे हैं। बाढ़ राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 2 टीम प्रभावित क्षेत्रों में कार्य कर रही है। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष बाढ़ ग्रस्त इलाकों में हालात का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बचाव कार्य में लगे पदाधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। जिले की अन्य नदियों के साथ बूढ़ी गंडक के जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण नगर के निचले इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिले में बागमती तथा गंडक नदी के उफान के बाद अब बूढ़ी गंडक नदी में लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही है। नेपाल में हुई औसत से 5 से 6 गुना ज्यादा बारिश के कारण सभी नदियां रौद्र रूप धारण कर लिया है। आज हम शहर से लेकर गांव तक बूढ़ी गंडक नदी की स्थिति दिखा रहे हैं। शहर का यह चंदवारा घाट है, यहाँ का नजारा आप खुद देख सकते हैं कि नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। अभी हम खड़े हैं चंदवारा घाट पे। स्थानीय लोगों से जो बातचीत हुई है, पानी का स्तर जो है नदी का वो 3 फीट से ऊपर बढ़ चुका है। आइए बाकी घाटों की स्थिति भी दिखाते हैं आपको, आगे चलते हैं हम लोग अब इससे आगे। इसके बाद हमारी टीम आश्रम घाट पहुंची। निचले हिस्से में बने सभी घर जलमग्न हो गए, लोग अपने घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। यही नहीं, थर्मोकोल से बने नाव से पीने के पानी को पहुंचाते नजर आए। अभी खड़े हैं हम लोग राजनारायण सिंह कॉलेज के पीछे के आश्रम घाट में। यहाँ पे नदी का जलस्तर जो है वो 5 फीट से ऊपर तक बढ़ चुका है। देख सकते हैं कि नदी कहाँ पर है और उससे कितना दूर हट के यहाँ पे लोगों ने अपने घर बनाए थे जो अब पानी से घिर चुके हैं। पानी के बीच में ही कुछ लोग कपड़े धोने का काम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। मतलब धीरे धीरे जो पानी का लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कितना फीट तक पानी बढ़ा है यहाँ पे। कल से लेके अब तक कितना फीट पानी बढ़ा है? 3 फीट बढ़ा है। और बढ़ने की आशंका है? उसके बाद क्या स्थिति रहेगी? नहीं, अभी बढ़वे करेगा। उसके बाद क्या स्थिति रहेगी? दयनीय हो जाएगा, दयनीय हो जाएगा, यहाँ पे स्थिति दयनीय हो जाएगा। काम खत्म है, सब लोग आपस से झूलने लगेगा। जैसे कि आपने सुना, 1 से 1.5 फीट अगर पानी और बढ़ता है, नेपाल अगर और पानी छोड़ता है, तो उसके बाद यहाँ की स्थिति दयनीय हो जाएगी। अखाड़ा घाट का नजारा भी कुछ ऐसा ही था। नदी किनारे बसे सभी घर नदी में समा गए। अखाड़ा घाट की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। अखाड़ा घाट के नीचे की ये जो दलित बस्ती है वहाँ पे घरों में पानी घुस चुका है। कल रात से अभी तक यहाँ पे 5 फीट से ऊपर पानी का चढ़ाव हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। अब देखें कैमरे के नजर से आपको दिखाना चाहेंगे तो वहाँ पे स्थिति क्या है। सर कल पानी नहीं था, कितनी परेशानियों के साथ अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं बाढ़ के पानी में। घरों में पानी घुस चुका है, जो अपने घरों को छोड़कर कहीं और पलायन कर चुके हैं। साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ से दूसरी तरफ भगत सिंह नगर की बैंक रोड से अतिक्रमण कर ये लोग रह रहे थे। इन लोगों को यहाँ पे बताया गया था नदी के उस पार इन्हें जमीन मिल गई थी। कुछ दिनों पूर्व यहाँ पे आग लगी थी, आग के बाद इन्होंने फिर से अपनी जीवन को नई शुरुआत की थी। एक बार फिर से बाढ़ का खतरा वहाँ पे मचा रहा है। अब देखें कि किस प्रकार नदी मात्र 2 से 3 फीट बची हुई है, उसके बाद उस मोहल्ले में पानी घुसेगा। कुछ लोगों के लिए जहाँ ये बाढ़ परेशानी का सबब है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये मस्ती बनी हुई है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे बाढ़ में किस प्रकार मस्ती कर रहे हैं। यहाँ से मैं चंद कदमों की दूरी पर सिकंदरपुर नाका है, पर हमें नाका का कोई भी स्टाफ स्कूल का नहीं दिखा जो लोगों को सुरक्षित रहने और सुरक्षित दूरी बनाकर रखने की सलाह देता हुआ नजर आए।
अखाड़ा घाट से संगम घाट की भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। नदी में जलस्तर बढ़ने से आसपास के लोग काफी घबराए हुए हैं। बांध से सटे घर जलमग्न हो गए। इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर के संगम घाट पे, जहाँ लगातार हो रही रुक रुक के बारिश के कारण जलस्तर आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ गई है। आप खुद देख सकते हैं, ये संगम घाट है जो कि यही नदी है जिसे पानी बहकर शहर को दो भागों में बढ़ता है। आपको बता दें कि लगातार एक सप्ताह से नेपाल और बिहार में भारी बारिश के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। आप देख सकते हैं नदी के अलावा अलग अलग पार्ट जो खेत है उस तक में पानी चली गई है। देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। खासकर जिले के कई ऐसे प्रखंड हैं जहां से ये इस तरह की प्रभावित स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। अब हम आपको 2017 में राजवाड़ा डीह में टूटे हुए बांध का नजारा दिखाते हैं। भारी बारिश के कारण बांध में जगह जगह दरार पड़ गई है। अभी हम खड़े हैं राजवाड़ा बांध पे, जहां 2007 में इसी जगह से वो बांध टूटा था। आपको दिखाते हैं कि बांध टूटा कहां से था। वो जो स्लूस गेट आप देख रहे हैं ठीक वहीं से बांध टूटा था। बांध को मजबूत करने के लिए उसके दोनों तरफ बोल्डर डाल दिए गए हैं। और आपको दिखाते हैं कि रेन कट से बांध को अभी भी नुकसान हो रहा है। 1.5 से 2 फीट तक ये जो दरारें आप देख रहे हैं ये नीचे 1.5 से 2 फीट तक मिट्टी को काट चुकी है, जिससे बांध कमजोर है। यहाँ का दोनों तरफ इससे सल्यूट के दोनों तरफ ये रेन कट आप देख सकते हैं कि जिसके कारण इन बांधों को नुकसान हुआ है। अभी भी इन बांधों को मरम्मत की बेहद आवश्यकता है। 6 से 7 फीट तक का वो कटाव है, वो आपको हम दिखाना चाहेंगे। 6 से 7 फीट तक वहां से बांध कट चुका है। बांध सुदृढ़ीकरण के नाम पे कुछ बैग बालू के डाल तो दिए गए हैं, पर वो काफी नहीं है। आज सुबह से ही हम लोग बांध और नदी की जो जल स्तर है उसकी जांच कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में कहां कहां पे पानी बढ़ा है। यहां पे जब हम लोगों ने ग्रामीणों से बात की तो लगभग 3 फीट यहां पे भी पानी बढ़ा है। ग्रामीण अभी भी दहशत में है यहां के कि आगे होगा क्या। अगर नेपाल और पानी छोड़ता है तो स्थिति और दयनीय होगी मुजफ्फरपुर की। रजवाड़ा से मैं संदीप, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। 12वीं की प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से RBBM की आक्रोशित छात्राओं ने DO कार्यालय का घेराव किया। 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सभी छात्राओं को उत्तीर्णता राशि उपलब्ध नहीं कराने को लेकर RBBM कॉलेज की छात्राओं ने संयुक्त भवन स्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमकर हंगामा किया। छात्राओं का कहना कि उत्तीर्ण छात्राएं किसी भी कोटि की हो उन सभी को प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। मिले हैं तो DO सर बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ कल्याण उत्थान जो हम लोग है जनरल और जो OBC उसको सिर्फ 10,000 मिलेगा और वो फर्स्ट डिवीजन का नहीं मिलेगा हम लोगों को, वो सिर्फ ST SC को ही मिलेगा। हम लोगों को सिर्फ जो कन्या उत्थान वाला है वही मिलेगा। किस स्कूल से आए? मैं RBBM कॉलेज से हूँ। हम लोग ये चाहते हैं कि ST और SC वालों को पैसा दिया जा रहा है तो हम सभी छात्रों को भी पैसा मिलना चाहिए। और हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि हम लोगों को पैसा दे, क्यों फर्स्ट डिवीजन और ST और SC वाले के लिए क्यों लागू किया गया है? छात्रवृत्ति सबके लिए लागू होना चाहिए ना। तो कन्या उत्थान योजना सबको मिला है तो हम लोग को भी चाहिए ST और SC वाले को जैसे फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन वाले को मिल रहा है वैसे जनरल और OBC के लिए भी मिले। यहाँ पर कास्ट और जातिवाद क्या है, बच्चा क्या पढ़ रहा है? DO साहब क्या बोले? वो बोले कि हम आप लोग को सपोर्ट करेंगे, आप लोग एप्लीकेशन लगाइए और आगे भिजवाइए, हम लोग मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर बिमल ठाकुर का कहना है कि प्रोत्साहन राशि सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है, सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को कल्याण विभाग के द्वारा राशि दी जाती है। मैंने अभी जो बच्चियाँ आई हुई थी उनका कहना ये था कि अन्य बच्चियों को प्रथम श्रेणी पास करती हैं तो 15,000 रुपये की राशि मिलती है। तो हम लोग भी प्रथम श्रेणी से पास किए हैं, हमें भी प्रथम श्रेणी पास करने के कारण 15,000 की राशि मिलनी चाहिए। उनको बताया गया है कि SC ST कल्याण विभाग के द्वारा SC ST वर्ग की जो छात्राएं प्रथम श्रेणी से पास करती हैं उनको 15,000 और द्वितीय श्रेणी से पास करने वाली छात्राओं को 15,000 रुपये मिलने का प्रावधान है। सामान्य वर्ग के लिए ये नियम नहीं है। सामान्य के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत
10,000 रुपए की राशि किसी भी श्रेणी से पास छात्राओं को मिलते हैं और उनको ये लाभ मिल सकता है, ये उनको समझाया गया। ये लोग करेंगे हंगामा करेंगे आंदोलन करेंगे, इसमें हंगामा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सरकार का नियम है और हम लोग के नियम के अनुसार हमें चलना चाहिए। छात्राओं को इस बात की बढ़िया से शिक्षा दिया गया है और मानकर चलिए। छात्रावास खाली करने के जारी फरमान के विरोध में छात्र संगठन के सदस्यों ने धरना आंदोलन जारी रखते हुए नंग धरंग प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों को पुलिस की मदद से छात्रावास खाली कराने का जारी फरमान के विरोध में विभिन्न छात्र संगठन के सदस्यों ने सोमवार को चौथे दिन धरना आंदोलन जारी रखते हुए नंग धरंग प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय प्रशासन में आंदोलन पर डटे छात्र संगठन के नेताओं का कहना है कि एक साजिश के तहत विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को छात्रावास से हटाने पर तुली है। विगत चार दिनों से विश्वविद्यालय में पीजी 1 और 3 छात्रावास के छात्र और विभिन्न छात्र दलों के नेता यहां आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की मांग को अनसुना करते जा रहा है। समझने वाली बात है, विगत 10 महीना से DSW नहीं होने के कारण छात्रों को हॉस्टल आवंटन नहीं हुआ है, तो भैया छात्र अपने से थोड़ी आवंटन कर लेगा, आपने आवंटन नहीं किया, ये गलती विश्वविद्यालय प्रशासन की है। अब कह रहे हैं छात्रावास खाली करो, बीच सत्र में आधा पढ़ाई पूरा करके हम कहाँ जाए, गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, शहर से आप कह रहे हैं जाइए, तो भैया आप चालान कटवाइए, आप हमारा अलॉटमेंट लीजिए, हम छात्रावास में रह रहे हैं। एक देते हैं राजभवन का हवाला, मैंने भी वो देखा है, कहीं से राजभवन या राज्य सरकार ने छात्रावास खाली करने के लिए नहीं कहा है, बस उन्होंने कहा है जो अनऑथराइज छात्र है उसको हटाया जाए। तो मैं भी कह रहा हूँ जो अनऑथराइज छात्र है उसको हटाइए और जो ऑथराइज है उसको रखिए, लेकिन आप अलॉटमेंट तो लीजिए, आप पहले ये तो फिक्स कर लीजिए जो कौन ऑथराइज है कौन अनऑथराइज है। जब तक आप अलॉटमेंट नहीं कीजिएगा, आपने 10 महीना से अलॉटमेंट बंद कर रखा है, तो कैसे पता चलेगा जो कौन ऑथराइज है कौन अनऑथराइज है। बीच सत्र में तो सब अनऑथराइज हो गया, तो मेरा विश्वविद्यालय से मांग है पहले आज आप अलॉटमेंट कीजिए, उसके बाद फिक्स कीजिए जो कौन ऑथराइज है कौन अनऑथराइज है। जो अनऑथराइज है उसको मैं और सभी छात्र मिलके हटाने का काम करूंगा, विश्वविद्यालय के मैं मदद करूंगा, लेकिन पहले आप ये फिक्स कर लीजिए, आप पहले छात्रों का अलॉटमेंट कीजिए, और जब तक आप अलॉटमेंट नहीं कीजिएगा आंदोलन जारी रहेगा, छात्रावास किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगा, बीच सत्र में छात्र कहीं नहीं जाएंगे, और करना होगा हम लोग भूख हड़ताल और अमरन अनशन भी करेंगे यहाँ पर। LS कॉलेज के गणित विभाग में बदहाल शौचालय के सवाल पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। LS कॉलेज गणित विभाग में छात्राओं ने सोमवार को बदहाल और नरक बने शौचालय की सफाई की मांग को लेकर हंगामा और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्राओं की शिकायत है कि विभाग में शौचालय की स्थिति नरकीय बनी हुई है, सफाई कर्मी भी नहीं है और न शौचालय की साफ सफाई की जाती है। यह यहाँ विगत चार वर्षों से कोई स्वीपर नहीं है डिपार्टमेंट में, और विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं देता है, और शौचालय की स्थिति इतनी नरकी है कि आप जाकर देख सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि शौचालय भारत सरकार का भी योजना, भारत सरकार भी नरेंद्र मोदी भी कहे कि कोई आदमी बाहर शौच के लिए नहीं जाएगा। स्थिति यहाँ इतनी नरकी है कि अगर कोई बच्ची लोग एक जनरल बाथरूम यूज करती है, जो लड़का लड़की दोनों आदमी यूज करता है, और बाहर दो आदमी खड़ा रहता है कि कोई गलती से अंदर न चला जाए, गेट बंद नहीं होता है, गेट में कुछ लगाने के लिए है नहीं। विगत 6-7 महीने से हम लोग ने एप्लीकेशन दिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, विश्वविद्यालय प्रशासन सुनता ही नहीं है किसी की। श्रावणी मेले के दौरान प्रशासनिक स्तर से की जा रही तैयारी की बैठक कर प्रमंडलीय आयुक्त ने समीक्षा की। श्रावणी मेला को लेकर तिरहुत प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त नर्मदेश्वर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को आयुक्त कार्यालय सभागार में बैठक हुई। बैठक में जिले के तमाम अधिकारियों के साथ साथ श्रावणी मेला के प्रतिनिधि और मंदिर न्यास समिति के सदस्यों से मेला की तैयारी के विषय में चर्चा हुई। आयुक्त नर्मदेश्वर लाल ने सभी अधिकारियों को मुस्तैदी से कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो इसको लेकर ताकीद की। बैठक में DIG रविंद्र कुमार, SSP मनोज कुमार के साथ वैशाली जिले के DM, SSP और सारण जिला के DM, SP और मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित विनय पाठक भी मौजूद थे। श्रावणी मेले के दौरान चाक चौवन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर IG गणेश कुमार ने कांवड़िया मार्ग का निरीक्षण किया। रविवार की देर शाम तिरहुत रेंज के IG गणेश कुमार ने कांवड़िया मार्ग के रूट
पॉइंट में सभी पॉइंट्स का निरीक्षण किया और कई जरूरी निर्देश भी दिए। जोनल आईजी रविवार के देर शाम सभी पुलिस अधिकारियों के साथ अगोड़िया बाजार रामदयालु समेत सभी कांवड़िया मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गरीब स्थान मंदिर पहुंचकर प्रधान पुजारी से कई बिंदुओं पर जानकारी लिया। इस दौरान डीआईजी रविंद्र कुमार, एसएसपी मनोज कुमार, सिटी एसपी नीरज कुमार व नगर डीएसपी मुकुल रंजन सहित कई पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान आईजी गणेश कुमार ने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान किसी भी परिस्थिति में कांवड़ियों को सुरक्षित और सुगम रूप से जलाभिषेक हेतु पुलिस संकल्पित है। जहाँ पे एक मेन होल्डिंग प्वाइंट है वो दो है, एक तो ओरियंट क्लब के सामने है और दूसरा जिला स्कूल है, और आवश्यकता अनुसार और भी जहाँ पे बहुत सारे जगहों पे ड्रॉप गेट रहेगा, तो भीड़ को देखते हुए उस वक्त और भी आवश्यकता होती है। दूसरी तीसरी सुनवाई को भगदड़ की स्थिति बनती तो इस तरह से प्रशासन किस तरह का व्यवस्था? प्रशासन पूरी तरह से सजग है, हम लोग पर्याप्त संख्या में पुलिस बल रहेंगे, तो ऐसी कोई दुर्घटना या उस तरह होने की कोई भी नहीं। सर कितने बल की नियुक्ति की जाएगी? उसमें पर्याप्त संख्या में जितनी भी बल की आवश्यकता है उसमें रहेगी। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के नया टोला स्थित एनआरआई के घर से चोरों ने 13 लाख की संपत्ति चोरी कर ले गए। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के नया टोला स्थित एनआरआई अजीत चौहान के बंद घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने दरवाजा तोड़कर 50,000 नगद सहित 13 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ले गए। अजीत के भाई ने लौटने पर सोमवार को घर का ताला टूटा देखकर घर में चोरी की जानकारी हुई और उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घर के सदस्य ने बताया कि पटना से आने पर घर का दरवाजा टूटा और सारा सामान गायब पाया। घटना अभी 6 अलमीरा हम तो देख रहे हैं टूटा हुआ है, एक से एक सबको बेहिसाब से तोड़ा गया है, बेघरदी से एकता से बेरहमी से कोई भी बक्सा नहीं छोड़ा गया है, कोई भी जेवरात का बक्सा नहीं छोड़ा गया है, एक एक लॉकर को तोड़ दिया गया है। कैसे जानकारी लगी? आए घर को देखे तब तो जानकारी लगी। पहले तो पिता भाई साहब ने बोला कि हो सकता है हवा बिहार से अंदर पानी चला उसके चलते टूट गया होगा दरवाजा, खुल गया होगा, लेकिन दरवाजा भी तोड़े हुए है, लॉक तोड़े हुए, एक नहीं तीन तीन दरवाजा का लॉक टूटा हुआ है, पल्ला तक लकड़ी तक तोड़े हुए, चौकट से निकाले हुए, बाई फोर्स एंट्रेंस का राइट एविडेंस है। कहाँ रहते हैं वो लोग? अभी तो नहीं है यहाँ पर, आउट ऑफ कंट्री है, टेक्सास में साइप्रस स्टेट है, अमेरिका का एक पार्ट है। कितने की चोरी है? लगभग लगभग 50 के। गन वगैरह की बात भी आ रही है? एक तो अभी जस्ट मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। पुलिस का कहना है कि दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहीं बाहर में रहते हैं, जानकारी मिली कि घर में चोरी हुई है, आए हैं हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या कोई चोरी की सूचना मिली अभी तक? घर के मालिक नहीं है, उनके भाई आए हैं, अभी तक डिटेल नहीं दिए हैं। सर 50 लाख की चोरी की बात आ रही है जिसे उन लोग फोन पे बता रहे हैं? नहीं, अभी तक हमको सूचना नहीं दी, ये नहीं दिया है कि क्या क्या सामान की चोरी गई है। गन्स वगैरह भी गायब है? एक गन तो सामने नजर आ रहा है। आगे सर क्या डॉग स्क्वाड वाले जो भी लिस्ट वगैरह देते हैं हम लोग देखते हैं, अनुसंधान करेंगे, जांच इंक्वायरी करेंगे। बीते 11 तारीख को अय्यापुर के जियालाल चौक के समीप एक पक्ष के लोगों ने चाकू मारकर एक महिला को घायल कर दिया। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बीते 11 जुलाई को शेखपुर ननाजीपुर मोहल्ले में आपसी विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक महिला सहित उसके पुत्र पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में मौके पर पुलिस पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए SKMCH में भर्ती करवाया, जहां घायल महिला और उसके पुत्र का इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में घायल महिला नाजीपुर मोहल्ले निवासी प्रकाश सैनी की पत्नी का आरोप है कि जब भी उसके यहाँ पुलिस की रेड पड़ती है तो उसका कथन यही रहता है कि तुम ही रेड करवाई हो। जब मैंने उस बात का विरोध किया तो वो पूरे परिवार मिलकर चाकू और रड से हमला कर दिया। तो दारू बेच के दारू माफिया जलिया देवी बेटा नरेश माफिया, और उसका जब जब दारू पकड़ाता है ना तब तब वो हम पे प्रसव करते हैं, कहता है जी ये दारू पकड़वा देता है, इसी ले लो हमको पर घड़ा चढ़ा के, और शाम 7 बज रहा था जलिया देवी एक बगल से पकड़ा है, एक लड़का कोई अज्ञात लड़का था उसको नहीं पहचाना, और उसको बेटा चाकू मारा, मेरा लड़का घर में था, हम चिल्लाए मेरा लड़का आया उसका रोड से सीना पर पेट में मारे बहुत। कब की घटना है?
11 तारीख का। और नरेश महतो शराब का कारोबार करती है। अय्यापुर थाना जब भी उनका शराब पकड़ती है तो वो हमारी मम्मी वार्ड सदस्य है उन्हीं पे शक करती है कि तुम ही मेरा शराब पकड़वाई हो। 11 तारीख को शाम 7 बजे वो लोग 5-6 आदमी के साथ आए और मारपीट करना स्टार्ट कर दिए। फिर झलिया देवी मेरी मम्मी का एक हाथ पकड़ी हुई थी और एक कोई आदमी था उसको हम लोग नहीं पहचानते, वो भी पकड़ा हुआ था। और नरेश महतो चाकू निकाला और मम्मी को मारने लगा, मारा। फिर मम्मी चिल्लाई तो हम आए तो हमको भी मारने लगा, पीटने लगा, सीना को बहुत मारा। उसको पता है मेरे लखनऊ से इलाज चलता है पेट का, उसको पता था कि पेट में इसका इलाज चलता है इसलिए पेट में ही हमको जाना हुआ। और हम लोग फिर पुलिस को सूचना किए अय्यापुर थाना को, तो पुलिस हम लोग को जल्दी से यहाँ पे SKMCH में एडमिट किया था। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहां से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहां से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहां शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाथ चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITian, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है।
GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मिल का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, NEET और AIIMS जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। JEE मेंस में मुझे 98% डायल आया है, इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस का को थैंक यू बोलना चाहूँगा। LTs ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है, मुझे 95.49% डायल आया है JEE मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और JEE मेन 2019 में 94.6% आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे JEE मेन 2019 में 94.3% आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा मतलब सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ का टीचर्स का जो सपोर्ट मिला, वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट सरैयागंज या मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर में। अगर आप फैशन की दुनिया में अपने आप को अलग लुक देना चाहते हैं तो आप चिंता ना करें, आपके इस समस्या को दूर करने के लिए खुल गया है आपके अपने शहर में संस्कार जेंट्स ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ बाहर के कारीगरों द्वारा कुशल काम किया जाता है। सभी प्रकार के हेयर कटिंग, हेयर कलर, ब्लीच, फेसियल, शेविंग, हेयर डिजाइनिंग तथा मसाज भी किया जाता है। यही नहीं, शादी के शुभ अवसर पर दूल्हे को सजाया भी जाता है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है संस्कार जेंट्स ब्यूटी पार्लर, राजमीना मार्केट, आम गोला रोड, अघोरिया बाजार, मुजफ्फरपुर। आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, 9798634075। यहाँ पे बाहरी कारीगर द्वारा जो भी है वो आधुनिक तरीका से सर्टिफिकेशन जो कस्टमर का हो सके वो हम देंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को हम चाहेंगे कि प्रोवाइड करवावे सुविधा, ताकि वो खुश हों और हमारे यहाँ बार बार आने का उनका मौका मिले। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अय्यापुर के संगम घाट के समीप सोमवार को एक महिला बेहोशी की हालत में मिली, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अय्यापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट नदी के किनारे सोमवार को एक महिला को बेहोशी की हालत में पाया गया, जिस पर खबर बनाने जा रहे सिटी न्यूज की टीम की नजर पड़ी, जिसके बाद तुरंत इस घटना की जानकारी अय्यापुर थाना की पुलिस को दिया। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचकर बेहोश पड़ी महिला को आनन फानन में इलाज के लिए SKMCH में ले जाकर भर्ती करवाया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस ने महिला की तलाशी लिया, लेकिन पुलिस को महिला के पास से कुछ नहीं मिला, जिसके कारण महिला की पहचान नहीं हो सकी। यहां पर गश्ती के क्रम में पता चला सड़क के किनारे एक महिला विस्मित अवस्था में गिरी पड़ी थी, तो अपने सुरक्षा बल की मदद से उसको SKMCH भेजा गया है। आज उसके बाद पता चल पाएगा कि महिला कहां से है। क्या लग रहा है, किस तरह से ग्रसित थी वो? अब ग्रसित प्रथम दृष्टया तो देखने को लग रहा है बिछित वगैरह है, हाथ वगैरह हिल रहा है उसका,
और डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करेंगे उसके बाद पता चल पाएगा कि क्या दिक्कत है। पहचान उचान नहीं हो पाई, पहचान अभी नहीं हो पाई है, अब स्वस्थ हो जाएगी तो पता चल पाएगा। फिलहाल स्कैन चेक भेज दिया गया है। जिला कांग्रेस किसान मोर्चा के सदस्यों ने टावर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। सोमवार को सरयागंज टावर चौक पर कांग्रेस किसान मोर्चा के सदस्यों ने बढ़ते महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर प्रधान नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि जब पूरे विश्व में कच्चे तेल की कीमत घट रही तो फिर सरकार की कीमत क्यों बढ़ा रही है। पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि के कारण महंगाई में वृद्धि हो रही है जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बढ़ोतरी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों की कमर टूटने, बाढ़, सुखाड़ से त्रस्त किसानों के मांगों के समर्थन में यह नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया है। नरेंद्र मोदी साम्राज्यवादी है और जनता का वोट लेकर के ही जनता को पीसने का काम किया जा रहा है। आम जनता महंगाई से त्रस्त है, उस पर बजट में पेट्रोल डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी, आग पे घी का काम कर रहा है। उत्तर बिहार पूरा बाढ़ से त्रस्त है, दक्षिण बिहार सूखाग्रस्त है। न केंद्र की सरकार सुन रही है, न प्रदेश की सरकार सुन रही है, दोनों कुंभकर्णी मुद्रा में सोई हुई है। इसके खिलाफ हम लोग किसान कांग्रेस के द्वारा आवाज बुलंद कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किए हैं। तो सरकार आम गरीब जनता ने ईमानदारी पूर्वक वोट देकर सरकार बनाया, लेकिन इन्होंने कहा था जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम कम हो गया है तो तेल की जो बेतहाशा जो दाम में वृद्धि हो रही है इस पे गरीबों पे बोझ पड़ रहा है। दूसरी ओर जो बिहार में जो ही वर्तमान में जो एरियस के बच्चे मरे और बाढ़ आ गया उससे बच्चे मरेंगे, लेकिन किसी भी सरकार को गरीबों पे विशेष ध्यान नहीं है, किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। इसका मूल काम है पूंजीपतियों को बढ़ावा देना, पूंजीपतियों की सरकार है ये गरीबों के किसी भी समस्याओं के समाधान के लिए अभी तक कोई ठोस पहल, ठोस कानून नहीं बना। जब गरीब वोट देता है और ये सभी लोग जानते हैं कि कानून बनाने का अधिकार जो है लोकसभा और राज्यसभा को है, और जब ये कानून जो सरकार में जाते हैं तो कानून जब भी बनाते हैं अमीरों के लिए बनाते हैं, गरीबों के लिए आज तक कोई कानून नहीं बना। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भाजपा सरकार के तमाम मंत्रियों से, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रियों से आग्रह करता हूँ कि यदि कोई कानून बनाना है तो गरीबों की समस्याओं के समाधान के लिए कानून बनाए, समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य के कानून बनाए, बेरोजगारी पर रही है उस पर समझ कर करें। नरेंद्र मोदी बताएं अभी आए थे, नरेंद्र मोदी कह रहे बताएं वही काम चालू करेंगे, चीनी मिल को चालू करेंगे, लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। ये दुर्भाग्य है बिहार के गरीबों के। बिहार राज्य पशु स्वास्थ्य रक्षा टीका कर्मी संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। बिहार राज्य पशु स्वास्थ्य रक्षा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने सेवा स्थायीकरण सहित अन्य पांच सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय में धरना दिया। धरना पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए संघ के सदस्य समर्पित भाव से काम करते हैं, फिर भी उन्हें 45 दिन ही काम दिया जाता है, ऐसे में उनका जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। हम मुजफ्फरपुर जिला के पशु टीकाकर्मी का अध्यक्ष है, हमको अध्यक्ष पोस्ट पर रखा है। हमने सारे टीकाकर्मी मिलकर के जारा, गर्मी, बरसात हर मौसम में टीका करते हुए आए हैं। सरकार जैसे निर्देश देती है, विभाग जैसे निर्देश देती है, हम लोग करते हैं। उसके एवज में सरकार को सराहना मिलता है, सरकार को पुरस्कृत किया जाता है और टीकाकर्मी के परिवार रोड पर जाकर भीख मांगने की तैयारी में हम लोग हैं। यहाँ तक कि साल में हम लोग को 30 से 45 दिनों का काम मिलता है, और समझा जाए कि 45 दिन में किसी का भरण पोषण हो सकता है। इसी के विरुद्ध आज हमने बिहार सरकार और पशुपालन विभाग के तत्वावधान में हम लोग अपने वैक्सीनेटर मिलकर के आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू किए हैं, रखे हैं, जो DM साहब के सामने रखेंगे, जो इसके माध्यम से हमारा आवाज पशु पालन मंत्रालय में जाएगा, विभाग को मिलेगा। यहीं के साथ धन्यवाद। सदस्यता अभियान चलाने सहित अन्य कार्य योजनाओं को लेकर संस्कार भारती महानगर इकाई के सदस्यों ने बैठक की। संस्कार भारती महानगर इकाई की सोमवार को हुई बैठक में 17 से 30 जुलाई तक सदस्यता अभियान चलाने, कुशल कलाकारों को मंच देने के उद्देश्य से उन्हें संगठन से जोड़ने का निर्णय लिया गया। आमगोला स्थित डॉक्टर RP श्रीवास्तव के आवास पर हुई इस बैठक में 17 अगस्त को शुरू सम्मान समारोह आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। आज की ये बैठक आगामी कार्यक्रमों
के रिगार्डिंग हुई है। संस्कार भारती गुरु पूर्णिमा कल 5 गुरुओं का सम्मान करेगा। कला के क्षेत्र से नंद लाल मिश्र जी हैं, इंदू जी हैं, सत्यनारायण पाठक जी हैं, कन्हाई दास जी हैं और हमारे संस्कार भारती के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधन प्रसाद श्रीवास्तव जी हैं, तो उनका कल सम्मान होगा। उसके बाद हम लोग 12 अगस्त को आम सभा की बैठक होगी संस्कार भारती की, वो एक दिवसीय कार्यक्रम होगा जिसमें बाहर से भी पर्यवेक्षक आएंगे और उसमें नए सत्र के लिए सभी पदाधिकारियों का चुनाव होगा, वो 12 तारीख को होना है गार्गी पब्लिक स्कूल में। RBBM कॉलेज में रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के द्वारा हाइजीन पर केंद्रित सेमिनार का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के द्वारा RBBM कॉलेज में हाइजीन पर केंद्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार को मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर विद्या भारद्वाज ने संबोधित किया। उन्होंने छात्राओं को हाइजीन के संबंध में कई बात बताते हुए कहा कि अज्ञानता के कारण लड़कियां खेलकूद में भाग नहीं लेती है। आज का जो विषय है उसमें मेन वो बताएंगी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, मासिक के समय उनको जो अन्य होता है, क्या प्रॉब्लम होता है। आजकल ओवेरियन सिस्ट का भी बहुत ज़्यादा होता है और लड़कियाँ कम नहीं रहती हैं, वो झिझकती हैं, होकर बात नहीं कर पाती है। से मैं बात करती तो उसी के बारे में ज्ञान बताएंगे। लायंस क्लब के द्वारा शिविर लगाकर मुकबधिर बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए 3 दिवसीय शिविर का आज शुरुआत की गई। लायंस क्लब द्वारा सोमवार को चर्च रोड स्थित वागेश्वरी मुकबधिर स्कूल के बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रशिक्षण दिया गया। दिव्यांग बच्चों को 3 दिवसीय इस शिविर में रद्दी कागज से मास्क और कैंडल के साथ चॉकलेट बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। लायंस क्लब के सदस्यों ने बताया कि इस प्रशिक्षण के उपरांत बच्चे स्वावलंबी और स्वरोजगार कर अपनी जिंदगी खुशहाल बना सके। तत्वावधान में मुकबधिर वागेश्वरी स्कूल में आज आर्ट एंड क्राफ्ट का शिविर आयोजित किया गया, जिस 3 दिवसीय शिविर है ये, जिसमें बच्चों को आज कंदील, मास्क और चॉकलेट फोल्डर सिखाया गया है और कल भी बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए वेस्ट चीज़ों से, कल और परसों भी बहुत ही क्रिएटिव चीज़ें सिखाई जाएंगी जिनसे वो आगे चलकर भी वो अपने जीविका के लिए भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने बच्चे शामिल हुए हैं इसमें? करीब करीब 80 बच्चे शिविर में हैं और वो सारे बहुत ही उत्साह से, बहुत ही खुशी से इसको सीखने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं, जबकि ये सारे मुँह पर बधे बच्चे हैं। और आज की खबरों में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।